15 साल से कचरा बिनना शुरुआत करा हूँ मैंने। 6 बजे से घर से निकलते हैं, पन्नी, कागज, प्लास्टिक, पुस्टे, कांच वगैरह ये सब पूरे टोटल सामान हम लोग उठाते हैं। पन्नी जो पड़ी रहती थी जो गंदी, वो उठा के हम लेते थे। व्यापारी लोग क्या बोलते थे, भाई गंदी पन्नी आधा वजन काटो, आधा वजन के पैसे तुम लोगों को मिलेंगे। पहले लोग क्या बोलते थे, अब लोग सामान मत उठाओ, कॉलोनी में से बाहर निकल जाओ। फिर हमारा तो नगर निगम से जब बना हमारा, तो हमको कोई लोग ना मना नहीं करा, लोग बाग बोलते आओ बिन के ले जाओ। जो रेवेन्यू मॉडल इसमें तैयार किया गया है, उसमें रैग पिकर्स को इन्वॉल्व किया गया है। रैग पिकर्स को एनजीओज ने अलग अलग केंद्र स्थापित किए हैं और रैग पिकर्स का पंजीयन कराया गया है, और उनके माध्यम से रैग पिकर्स से ही ये पॉलिथीन, इस तरह की प्लास्टिक क्रैक की जाती है अलग अलग दरों पे। रैग पिकर्स की जो डेली इनकम हो रही थी वो दुगनी हुई है। उसमें नगर निगम में जाके हम पूरी पन्नी देते, हमारा कोई वजन काटती नहीं, हमारा कोई कुछ भी नहीं काटती। ऐसे पॉलिथीन का प्रबंधन करने के लिए UNDP JAF SDP के माध्यम से हम लोगों ने यह परियोजना प्रारंभ की है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कचरा बीनने वालों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है, साथ ही ऐसा पॉलिथीन जो कि नॉन रिसाइकलेबल है, जिसको ना तो रिसाइकल किया जा सकता और ना ही स्टोर किया जा सकता, ऐसे प्लास्टिक को एकत्र करके सड़क निर्माण और सीमेंट इंडस्ट्रीज में एज ए अल्टरनेटिव फ्यूल यूज करने के लिए हम इस परियोजना का संचालन कर रहे हैं। पेपर में मेरा बच्चा पढ़ा कि मम्मी तुम लोग ये पन्नी बीनते हैं ना, पिसाती मशीन में पिसा के ये रोड में ये पन्नी डलाती है।